गए देशों में हर दम। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। '67 के नेशनल फिल्म अवार्ड्स में तीसरी कसम को मिला गोल्ड मेडल। यही है कजरी नदी। मैं नहा लेती हूँ। हाँ हाँ, पर यहाँ नहीं। क्यों? ये मऊआ घटवारन का घाट है, यहाँ कुंवारी लड़कियां नहीं नहाती। कुंवारी? इच्छा बहुत सुंदर। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुपमा को दिया गया उस दिन आप सिल्वर मेडल। कहानी के बारे में फिर क्या हुआ? उसी दिन से अनुपमा के मन में परिवर्तन शुरू हुआ। इच्छा का अंकुर फूट निकला, फिर उस अंकुर से एक पत्ता निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर पौधा लहलहाने लगा। फिर 1967 के फिल्म फेयर के लिए गाइड को मिले 9 नॉमिनेशन। गाइड ने जीते 7 फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म सूरज को दिए गए 3 नॉमिनेशन। सूरज ने जीते 3 फिल्म फेयर। फूल और पत्थर को दिए गए 5 नॉमिनेशन। फूल और पत्थर ने जीते 2 फिल्म फेयर। अब बात टेक्निकल अवार्ड्स की। बेस्ट एडिटिंग का फिल्म फेयर दिया गया वसंत बोरकर को फिल्म फूल और पत्थर के लिए। पहले आ जाता तो इसका क्या बिगड़ता था? और तुम्हें कुछ दिन अपने हाथ और अपनी जुबान काबू में रखती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। बेस्ट साउंड डिजाइनिंग का फिल्म फेयर दिया गया मनोहर आंबेकर को फिल्म मेरा साया। '67 की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का फिल्म फेयर दिया गया जयंत पठारे को फिल्म अनुपमा के लिए। कलर फिल्म्स की सिनेमेटोग्राफी के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का फिल्म फेयर दिया गया फली मिस्त्री को फिल्म गाइड। कलर फिल्म्स के लिए आर्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर दिया गया शांति दास को फिल्म फूल और पत्थर। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स के लिए बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर दिया गया संत सिंह को फिल्म ये रात फिर ना आएगी। अब बात मेन अवार्ड्स की। बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए पहला नॉमिनेशन मिला लता मंगेशकर को। दूसरा नॉमिनेशन भी मिला लता मंगेशकर को फिल्म दो बदन। 1967 के बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर दिया गया मोहम्मद रफी को फिल्म सूरज। 1967 के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया एस डी बर्मन को। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का दूसरा नॉमिनेशन मिला रवि को फिल्म दो बदन। फिल्म फेयर मिला शंकर जयकिशन को फिल्म सूरज। फिल्म ममता को दिया गया बेस्ट स्टोरी का पहला नॉमिनेशन। बेस्ट स्टोरी का दूसरा नॉमिनेशन मिला फिल्म अनुपमा को। 1967 की बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर दिया गया आर के नारायण को फिल्म गाइड।
मगर कोई घटा ऐसी नहीं जो बिखर ना जाए, कोई गम ऐसा नहीं जिसका इलाज ना हो। बेटी का क्या नाम है? जी माया। प्रभु की माया। 1967 के बेस्ट कॉमेडियन के लिए नॉमिनेट किया गया महमूद को फिल्म लव इन टोक्यो। कॉमेडियन का दूसरा नॉमिनेशन मिला ओम प्रकाश को फिल्म प्यार किया जा। 1967 के बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर दिया गया महमूद को फिल्म प्यार किया जा। सांप उड़ रहे हैं, अजीब अजीब आवाजें आती हैं, बिल्कुल अजीब। क्वा क्वा कुडू कुडू। 1967 की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पहला नॉमिनेशन मिला शशिकला को फिल्म फूल और पत्थर। 1967 की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का दूसरा नॉमिनेशन भी मिला शशिकला को फिल्म अनुपमा। 1967 की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया सिमी ग्रेवाल को फिल्म दो बदन के लिए। मेरे ख्याल में डॉक्टर ये केस ट्रीटमेंट से अच्छा हो सकता है, इसे फिर स्टडी किया जाए, शायद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन हम सब एक बात से सहमत हैं, मिस्टर विकास की आंखें अब ठीक नहीं हो सकती। इट इज इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। 1967 के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया रहमान को फिल्म दिल ने फिर याद किया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का दूसरा नॉमिनेशन मिला प्राण को फिल्म दिल दिया दर्द लिया। 1967 के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर दिया गया अशोक कुमार को फिल्म अफसाना। मैं तो सिर्फ इंसान ही हूं, हमारे देवता तो ना जाने कौन से आकाश पर हैं, जो हमारी आवाज ही नहीं सुन पाते। 1967 के बेस्ट एक्ट्रेस का पहला नॉमिनेशन मिला सुचित्रा सेन को फिल्म ममता के लिए। दूसरा नॉमिनेशन मिला मीना कुमारी को फिल्म फूल और पत्थर। 1967 के बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर दिया गया वाहिदा रहमान को फिल्म गाइड। कोई दूसरा आदमी तो नहीं? हो भी सकता। तुम्हारा मतलब तुम किसी और के साथ? मैं बेवफाई करूंगी माँ को, तू खुलेआम काम का बहाना करके कहीं दूर घने जंगल में छुप कर नहीं। 1967 के बेस्ट एक्टर के लिए दिलीप कुमार को मिला पहला नॉमिनेशन फिल्म दिल दिया दर्द लिया। 2nd नॉमिनेशन मिला धर्मेंद्र को फिल्म फूल और पत्थर। यही तुम्हारा हौसला है, हर औरत को तुम्हारी जिंदगी पे शर्म आए। 1967 के बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर दिया गया देवानंद को फिल्म गाइड। मार्को भी तो सबसे दुखी है, लेकिन वो दीवारों से जाके अपना सर नहीं टकराता, वो कैसे गुफा में जाकर पत्थर के भूतों से जी बहला लेता है। मैं जिसलिए कि वो आदमी है और तुम अपने को तड़पाती रहती हो इसलिए कि तुम औरत हो। गलत है रोजी, गलत है। तुम्हारी आज ये हालत इसलिए है कि तुमने इस हालत से बगावत करना नहीं सीखा। संभलने में, अपना हाथ जिताने में कोई पाप नहीं, पाप है पड़े रहने में, जुर्म सहने में। जिंदगी से हार मान लेना पाप है, घुट घुट के जीना पाप है, जीते जी अपनी आत्मा की हत्या करना पाप है, आत्महत्या करना पाप है, रोजी पाप है, पाप है। 1967 की बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया फिल्म ममता को। बेस्ट फिल्म का दूसरा नॉमिनेशन मिला फिल्म अनुपमा को। स्वामी जी को संग मत करो बहन, यहीं से प्रणाम करना। 1967 की बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर दिया गया फिल्म गाइड को। दादा तुम्हारी बहुत कृपा होगी, जरा स्वामी जी से पूछ दो ना एक बार। देखो छोटी छोटी बातों के लिए स्वामी जी को परेशान क्यों करते हो? 6 दिन से उपवास कर रहे हैं हम लोगों के लिए, पानी तक नहीं छुआ, जरा सब्र से काम लो, ऐसे नहीं कर। भोला मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि मेरे कोई पाव ना छुए? ओफो, ओफो, मना करने पे भी मानते नहीं है। माँ बहन जी तुमसे एक बार कहा गया कि तुम राजू मेरा बेटा राजू। Give me a like if you appreciate my work.